सरस्वती वाई सारस्वत ओशियंस ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस एवं साइंस के प्रकारों के संबंध में अध्ययन करेंगे। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई, जिसका लिटरल मीनिंग होता है नॉलेज, ज्ञान। दूसरा ही शब्द लैटिन भाषा का जिससे उत्पत्ति मानी जाती है वह है सीरी, उसका लेटर मीनिंग है टू नो, जानना। साइंस की डेफिनेशन, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान होता है। अंग्रेजी में सिस्टेमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाएं, साइंस इज द सिस्टेमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक एडी रिची नामक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने साइंस की परिभाषा निम्न प्रकार दी। सिस्टेमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्टडी इज कॉल्ड साइंस। साइंस की डेफिनेशन मैं समझता हूँ क्लियर हो गई होगी। अब साइंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ साइंस। विज्ञान के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक नेचुरल साइंस, प्रकृति विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान। स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग्स इज कॉल्ड नेचुरल साइंस। अर्थात विज्ञान के इस प्रकार में प्राकृतिक वस्तुओं पिंडों का अध्ययन किया जाता है। इसकी मुख्यतः दो शाखाएं होती हैं। नंबर एक फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। स्टडी ऑफ फिजिको केमिकल प्रोसेसेस इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। अर्थात भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम प्राकृतिक वस्तुओं की भौतिक और रासायनिक क्रियाओं और अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। फिजिकल साइंस के जिन शाखाओं का हम विषय के रूप में मुख्यतः उपयोग करते हैं वह फिजिक्स, भौतिकी या भौतिक शास्त्र। दूसरा है केमिस्ट्री, रसायन की या रसायन शास्त्र। और इनकी शाखाएं भी फिजिकल साइंस में आती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, नक्षत्र विज्ञान, मिनरोलॉजी है, खनिज विज्ञान ईटीसी। नेचुरल साइंस का जो दूसरा प्रकार है, दूसरा भाग है, वह बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजी या लाइफ साइंस, से हिंदी में जीव विज्ञान या जैविकी, जैविकी कहते हैं। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। हिंदी में बात करें, विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के मुख्य जो दो सब्जेक्ट के रूप में पढ़े जाते हैं वो दो शाखाएं हैं, जूलॉजी, जंतु विज्ञान या जंतुशास्त्र, बॉटनी, वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान ईटीसी। विज्ञान की नेचुरल साइंस के बाद दूसरा प्रकार सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम सामाजिक क्रियाओं, संगठनों और इनकी आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। अतः स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेसेस एंड देयर इंट्रैक्शन इज कॉल्ड सोशल साइंस। सोशल साइंस की जो मुख्य ब्रांचें हैं जिनका हम सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन करते हैं वे हैं सिविक्स, नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, इतिहास, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र, जियोग्राफी, भूगोल इत्यादि। अब विज्ञान का तीसरा प्रकार, जो शायद ही आपको मालूम हो,
लेकिन आपको यह मैं यहाँ बता ही दे रहा हूँ कि विज्ञान का जो तीसरा प्रकार है, गाइड्स है, वह एवस्ट्रैक्ट साइंस, एवस्ट्रैक्ट साइंस, अमूर्त विज्ञान, स्टडी ऑफ नंबर एंड देयर रिलेशनशिप्स, मतलब अंकों तथा अंकों के परस्पर संबंध, अंकों तथा अंकों के परस्पर संबंध के अध्ययन को अमूर्त विज्ञान कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट माने होता है भाववाची, ऐसी विज्ञान जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। अतः अंकों का अध्ययन हम एब्स्ट्रैक्ट साइंस के अंतर्गत करते हैं, और इसमें जो सब्जेक्ट के रूप में मुख्यतः पढ़े जाते हैं वह मैथमेटिक्स, गणित, स्टैटिक्स, सांख्यिकी जिसे कहते हैं, और इनकी सभी शाखाएं, चाहे वो अर्थमेटिक्स हो, मेंसुरेशन हो, पॉलीगोनल्स हो, जो कुछ भी पढ़ना मैथमेटिक्स में, वो सब मैथमेटिक्स के अंकों अंतर्गत ही आता है। तो विज्ञान की परिभाषा हुई, विज्ञान के प्रकार हुए, इसके बाद थोड़ा सा और विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, अर्थात साइंस, बायोलॉजी और जूलॉजी कि जनक या पितामह पूछें तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, अरिस्टोटल, जिनका हिंदी में कहते हैं अरस्तु। इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक पुस्तक लिखी, जबकि वनस्पति शास्त्र के जनक मतलब फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस को कहते हैं, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लेंटरम नामक पुस्तक लिखी और इसमें बादलों का वर्णन सर्वप्रथम किया। इसके साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगले वीडियो में मैं विज्ञान से संबंधित विज्ञान के शब्दों को उच्चारण करने के लिए आवश्यक कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को और आगामी वीडियो को सामाजिक हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे विज्ञान को हम सही ढंग से अध्ययन कर सकें और विज्ञान के अध्ययन में हमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। किसी भी सज्जन को विज्ञान पढ़ने में परेशानी न रहे। अतः इन दोनों वीडियो को आप विज्ञान के छात्र हैं, विज्ञान से संबंधित हैं या नहीं, लेकिन इन दोनों वीडियो को आप शेयर करें, जिससे कि हमारे समाज में ज्ञान प्राप्त करने की ललक, जिज्ञासा बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।